बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप ग्राफ का इंट्रोडक्शन जरूर जान लें। ग्राफ से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं लाइक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्वाड्रेंट, हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ पे, अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से जानते हैं तो ये वीडियो को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप पहले से नहीं जानते या फिर भूल गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप पहले उन वीडियोज को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। Let us express the following statement into linear equations in two variables and draw the graph of the equations. Number 1. At present, the age of Sujata's father is more than the age of Sujata by 26 years. Number 2. Sum of two numbers is 15. Number 3. If both the numerator and denominator of a fraction are increased by 2, the fraction will be 7 by 9. Number 4. The perimeter of a rectangular yard is 80 meters. Number 5, of two numbers, 5 times of larger number equal to 8 times of the smaller one. बच्चों, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन सभी स्टेटमेंट्स को यूज करके एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसका ग्राफ बनाना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? At present, the age of Sujata's father is more than the age of Sujata by 26 years. अभी Sujata के फादर Sujata से 26 years older है। ये है Sujata के फादर और ये है Sujata। हम मान लेते हैं कि सुजाता का प्रेजेंट ईयर एक्स ईयर है और सुजाता के फादर का वाई ईयर। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अगर इस एक्स में हम 26 ऐड कर दें तो सुजाता के फादर का एज मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 26। ये रहा हमारा रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक वेरिएबल वाई है और दूसरा वेरिएबल एक्स है। तो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होना चाहिए। ये रहा हमारा टेबल। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके वाई के वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक्स के वैल्यू को जीरो ले लिया है। और जीरो लेंगे तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही हम एक्स का वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो देखिए वाई का वैल्यू में क्या मिला, जीरो प्लस 26 यानी कि 26। फिर उसी तरह से एक्स के वैल्यू को हम वन पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आया, वाई इक्वल टू वन प्लस 26, तो हमें क्या मिला, 27 मिला। फिर हम एक्स के दूसरे वैल्यू लेंगे, एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि एक्स के वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एक्स सुजाता का प्रेजेंट एज है और एज कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए हमें एक्स के सारे वैल्यूज पॉजिटिव लेने होंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू हम एक्स का लेते हैं 5, और जब हम एक्स का वैल्यू 5 लेते हैं तो देखिए वाई के वैल्यू में क्या मिला, 5 प्लस 26 यानी कि 31। तो अब हमारे पास एक टेबल तैयार हो गया और इस टेबल की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक ग्राफ पेपर होना जरूरी है। तो ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। इस ग्राफ पेपर में हम ये कंसीडर कर लेंगे कि एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर बॉक्स 1 यूनिट है और इसको कंसीडर करते हुए इस ग्राफ पेपर में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो इस ग्राफ के लेफ्ट में एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा वाई एक्सिस है, जिसमें हम वाई के वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, और बिल्कुल बॉटम साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसमें एक्स। तो देखिए हमारा पहला वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू 26 है, है ना। एक्स का वैल्यू जीरो है और वाई का वैल्यू 26 है। तो एक्स का वैल्यू जीरो है और वाई का वैल्यू 26 है, इसका मतलब ये हो जा रहा है कि ओरिजिन से हमें 26 बार काउंट करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए मैंने काउंट किया और यहाँ पर 26 आया, तो 26 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स का 1 है और वाई का 27 है, तो एक्स एक्सिस में एक बार काउंट करेंगे और वाई एक्सिस में पूरा 27 टाइम्स। तो देखिए मैंने ये काउंट करके यहाँ पर इसे प्लॉट कर दिया है। अब देखिए मेरा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है 5 और वाई का क्या है 31। तो एक्स एक्सिस में 5 टाइम्स काउंट करेंगे और वाई एक्सिस में 31, तो मैंने इसे यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब क्या करना है, एक स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी बन गया। बच्चों, ये क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, If 3 is subtracted from numerator and 2 is added to the denominator, the fraction will be 1 by 3, and if 4 is subtracted from numerator and 2 is subtracted from denominator, the fraction will be 1 by 2. Let us construct the equation of this statement and write the fraction by solving graphically. बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि अगर न्यूमरेटर से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए और डेनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन चेंज होकर क्या हो जाता है, 1 बाई 3। दूसरा केस क्या है, अगर न्यूमरेटर से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे और डेनोमिनेटर से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना है इस स्टेटमेंट का, उसके बाद इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है।
मतलब ग्राफ को यूज करके, ग्राफ बना करके सॉल्व करना है कि फ्रैक्शन है क्या। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो न्यूमरेटर को हमने x लेट किया है, तो न्यूमरेटर की जगह में हम x डाल देंगे और डिनोमिनेटर की जगह में y डाल देंगे। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है और डेनोमिनेटर में 2 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y प्लस 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y प्लस 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ y प्लस 2 मिलता है, x माइनस 3 के साथ जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, उसके बाद माइनस बिल्कुल कॉपी हो जाएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 दे देगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, y को RHS में ही रहने देंगे और प्लस 2 को LHS में ले जाएंगे। तो जब प्लस 2 LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, फिर से y कॉपी हो जाएगा और 3x बिल्कुल कॉपी हो गया, माइनस 9 माइनस 2 मिलकर के क्या हो गया, माइनस 11। इस तरह से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गया और इस इक्वेशन का नाम हम क्या दे देंगे, इक्वेशन 1। दूसरे कंडीशन के मुताबिक क्या करना है, x से माइनस 4 को सेपरेट करना है और y से माइनस 2 को करना है, तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 1/2। यहाँ पर भी वैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गया और इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन 2 दे देंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाना है, तो इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक टेबल होना चाहिए, ये रहा टेबल। टेबल के ऊपर में x लिखेंगे, नीचे y लिखेंगे और x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके हम इस टेबल को फिल करेंगे। तो मैंने x के वैल्यू को सबसे पहले 0 ले लिया है और 0 को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, 3 × 0 − 11, 3 × 0 डेट मीन 0, 0 − 11 = −11। तो y का वैल्यू क्या आया, −11। कब आया, जब x का वैल्यू 0 है। पुटिंग x इक्वल टू 1 वी गेट y इक्वल टू 3 × 1 − 11, 3 − 11 − 8। तो y की वैल्यू −8 आए, कब −8 आए, जब x का वैल्यू 1 था। इसी तरह से जब 2 का इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलता है, 3 × 2 − 11, 3 × 2 का मतलब हो गया 6 और −11 को हमने कॉपी कर दिया और 6 − 11 क्या हो गए, −5। तो y के वैल्यू कितने आ गए, −5, कब, जब x के वैल्यू 2 थे। तो इस तरह से अब हमारा इक्वेशन 1 हो चुका। अब इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाने के लिए भी बिल्कुल इक्वेशन 1 की ही जैसा टेबल तैयार करना होगा और ये रहा हमारा टेबल, ऊपर x लिखेंगे नीचे y और x के वैल्यू को वही पुट करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज, x इक्वल टू 0 वी गेट y बिल्कुल वैसी रह जाएगा, 2 × 0 − 6, 2 × 0 तो 0 मिलता है और −6 बिल्कुल कॉपी हो जाएगा, डेट मीन्स −6। तो y की वैल्यू −6 आ गए, कब, जब x के वैल्यू 0 है। फिर नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हम क्या लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं, मतलब x की वैल्यू को 1 लेंगे। तो y इक्वल टू 2 × 1 − 6, 2 × 1 मतलब 2 माइनस 6, 2 − 6 मतलब −4। तो y की वैल्यू आ गया −4, कब, जब x के वैल्यू 1 है। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो क्या मिला हमें, y इक्वल टू 2 × 2 − 6, 2 × 2 मतलब 4 और −6 कॉपी। जब x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू −2 मिलते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए, ये है हमारा ग्राफ पेपर और ये है स्केल। अब स्केल की मदद से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, मतलब x के सारे वैल्यूज को हम इसी में प्लॉट करेंगे, और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये है हमारा वर्टिकल एक्सिस यानी कि y एक्सिस, और इस पे क्या करेंगे, y के वैल्यूज को पुट करेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 का डेटा और ये हमारा इक्वेशन 2 का डेटा। बच्चों, अच्छी तरीके से जानते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो होता है ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0, 0 होता है, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 होता है। इक्वेशन 1 का पहला डेटा क्या है, 0 और −11, तो 0 है तो मतलब x एक्सिस पे ही है और −11 है इसका मतलब y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे हमें नीचे की तरफ −11 टाइम्स जाना है। तो ये रहे −11 टाइम्स और यहाँ पर आ गया −11 और मैंने इसे यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये हो गया हमारा पहला डेटा का प्लॉटिंग। नेक्स्ट डेटा क्या है, 1 और −8, तो 1 के लिए ये हो गया 1 और −8 मतलब फिर से नीचे आएंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 और −8 को भी प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट डेटा है 2 और −5, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, 0 से x एक्सिस में राइट डायरेक्शन में काउंट करेंगे, 1, 2 और फिर −5 है, इसका मतलब हमें फिर से नीचे आना होगा, तो 5 टाइम्स नीचे आ जाएंगे, तो यहां पर हमें मिल गए क्या, −5।
तो यहाँ पर मैंने 2 एंड माइनस 5 को प्लॉट कर दिया। फिर से एक स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, तो हमें मिल गया ये एक स्ट्रेट लाइन और ये है इक्वेशन 1 का स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिए कि ये इक्वेशन 1 है। अब हमें इक्वेशन 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन 2 के लिए क्या क्या डेटा हमारे पास, पहला डेटा क्या है, 0 एंड माइनस 6। तो 0 है मतलब ओरिजिन पे ही रहना पड़ेगा, माइनस 6 है इसका मतलब माइनस 6 टाइम्स नीचे आना पड़ेगा नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो ये रहा हमारा 0 एंड माइनस 6 का प्लॉटिंग। नेक्स्ट 1 एंड माइनस 4, 1 है इसका मतलब एक्स एक्सिस में 1 टाइम काउंट करना है, उसके बाद 4 टाइम्स नेगेटिव वाई एक्सिस में काउंट करेंगे। तो ये मैंने काउंट कर लिया और ये हो गया 1 माइनस 4 का प्लॉटिंग। नेक्स्ट क्या है, 2 एंड माइनस 2, तो 2 प्लस में है इसका मतलब 0 से राइट साइड 2 टाइम्स हमें काउंट करने हैं। तो ये रहा 2 और माइनस 2 इसका मतलब फिर से नीचे आएंगे। तो अब हम नीचे की तरफ, ये रहा माइनस 1 एंड माइनस 2। तो अब मैंने लास्ट वाले डेटा को भी प्लॉट कर दिया, इसे भी स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम काउंट करेंगे। तो ये देखिए मैंने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5 हो गए। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट पता करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4 हो गए। तो इसका क्या मतलब हो जा रहा है, एक्स का वैल्यू हो गए 5 और वाई का वैल्यू हो गए 4, यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 5/4। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डेली लाइफ में ग्राफ का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और डेली लाइफ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम ग्राफिकली कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों ग्राफ के ऊपर हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ नोट्स हैं। पहला नोट्स क्या है, ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो का ग्राफ क्या होता है। तो हमेशा याद रखें एक्स इक्वल टू जीरो का ग्राफ हमेशा क्या आएगा, वाई एक्सिस। सेकंड क्या है, ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, इस तरह का कोई भी इक्वेशन हो सकता है। ऐसे इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। थर्ड क्या है, ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। देखिए बच्चों ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे देखिए सेकंड वाला पॉइंट क्या है, सेकंड नोट क्या है, एक्स इक्वल टू ए मतलब एक्स का कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने एग्जांपल में 2 एंड माइनस 5 लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटीजर्स ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो थर्ड वाला ग्राफ जो है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसमें देखिए एक्स का वैल्यू सॉल्व करने के बाद माइनस बी बाई ए आता है, जहाँ पर बी और ए दोनों ही रियल नंबर है। तो जाहिर सी बात है x का जो ये वैल्यू आ रहा है माइनस बी बाई ए, ये भी पूरा रियल नंबर है, तो ये भी सेकंड पॉइंट के ही जैसा होगा। इसका मतलब इसका भी ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। फोर्थ क्या है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू जीरो, तो ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, x एक्सिस। फिफ्थ क्या है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए, इसको भी आपको देख के साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये भी स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है और ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। सिक्स्थ क्या है, ग्राफ ऑफ ए वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये भी आपको समझ में आ रहा है कि इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सेवेंथ क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो। याद रहे इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं और उन दोनों वेरिएबल्स के साथ
कुछ कोफिशियंट है। इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आता है, लेकिन ये ओरिजिन से पास करता है, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ना तो एक्स एक्सिस होगा और ना ही वाई एक्सिस होगा, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करेगा। बच्चों अब हम इस नोट्स की मदद से शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है वो क्वेश्चंस। बच्चों पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3 इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑप्शन सी नॉट पैरेलल टू एनी एक्सिस, ऑप्शन डी पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या मतलब है 2x + 3 इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा? तो बच्चों इक्वेशन के टाइप को देखो, ये कौन सा टाइप का इक्वेशन है, कौन से नोट से मैच करता है, थर्ड वाला नोट्स। थर्ड वाला नोट्स में क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो मैंने उसमें क्या आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो अब आप ऑप्शन में ढूंढिए कहां पर है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट एंड सी नॉट इक्वल टू जीरो विल बी वाई एक्सिस व्हेन, ऑप्शन ए डी इक्वल टू माइनस सी, ऑप्शन बी डी इक्वल टू सी, ऑप्शन सी डी इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी डी इक्वल टू वन। तो हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन का ग्राफ वाई एक्सिस कब होगा, आप देखिए पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन में क्या था, ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो का ग्राफ क्या है, वाई एक्सिस। तो इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमें चेक करना पड़ेगा। तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, फिर आप एक्स को फ्री कीजिए, तो सी को क्या करेंगे एलएचएस में भेज देंगे, जब ये एलएचएस में जाएगा तो डी के नीचे आ जाएगा, इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी। तो बच्चों ये वाई एक्सिस का ग्राफ कब होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब एलएचएस को माइनस डी बाई सी को जीरो होना पड़ेगा, माइनस डी इक्वल टू जीरो इंटू सी। और हम अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि सी नॉट इक्वल टू जीरो है, कैसे जानते हैं, ये तो क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एंड सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सी जीरो नहीं है, तो जीरो से सी मल्टीप्लाई होकर के मैं जीरो मिला, तो डी के वैल्यू में क्या मिले जीरो। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 12 एंड द x एक्सिस। क्या मतलब है, आपके सामने जो लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 12, इस इक्वेशन का ग्राफ और x एक्सिस इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? तो बच्चों आप जरा गौर से इस इक्वेशन को देखो और पहचानने की कोशिश करो कि कौन सा इक्वेशन है ये। तो देखो पॉइंट नंबर एट, देखो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये कैसा ग्राफ आता है इसका, स्ट्रेट लाइन हैविंग एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, मतलब क्या होता है इसका एक्स इंटरसेप्ट भी होगा वाई इंटरसेप्ट भी होगा। तो बच्चों इस स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पर ही होगा, और हमने इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको समझाया है कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। तो y का कोऑर्डिनेट अगर जीरो होगा तो इस इक्वेशन में हम y के वैल्यू को जीरो पुट कर सकते हैं। तो आप पुट कीजिए, क्या मिलता है 2x बिल्कुल वैसी रह गया, प्लस भी बिल्कुल वैसी रह गया, 3 इंटू जीरो इक्वल टू 12, फिर 2x बिल्कुल वैसी रह गया, प्लस 3 इंटू जीरो मतलब जीरो, फिर 12 बिल्कुल वैसे ही रह गया, 2x प्लस जीरो मतलब 2x इक्वल टू 12। हमें x के वैल्यू निकालने हैं तो 12 बाई 2, 2 और 12 एक दूसरे से कट होते हैं कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। तो इस तरह से x की वैल्यू कितने मिले, 6, यानी जो पॉइंट हमें चाहिए उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6, 0। बच्चों उम्मीद करते हैं कि ग्राफ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे इस वीडियो के जरिए वो क्लियर हो गए होंगे। आप अपने मैथमेटिक्स बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी।